हाँ जी, हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्रीकाल जी। सारे का की हाल चाल है? असं सारे ठीक हाँ, तो होप करते हैं तुम भी सारे ठीक हो गए। टाइम हो गया जी यहाँ के पाकिस्तान के 9 बज गए हैं और अब मैं होटल से चेकआउट करके निकल रहा हूँ टूवर्ड्स वाघा बॉर्डर। एंड आप मान नहीं सकते कितनी खुशी है कि आज मेरी जो जर्नी है वो कम्प्लीट हो रही है टू रीच इंडिया। एंड आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी। बहुत ही कम लोगों को ये चांस मिलता है कि वाघा बॉर्डर के थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो कार के थ्रू कर पाते हैं। एंड आई एम वन ऑफ द लकी वन। तो बस अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। हम नर्वस भी है, क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना। लेट्स सी, फैमिली भी वहां पर पहुंचेगी एंड होप फॉर द बेस्ट। चलो जी, मिलते हैं आपको रास्ते में। ये रोड है जी सीधी जीटी रोड, जिसके ऊपर अभी तकरीबन 4 किलोमीटर 4.7 किलोमीटर में चलाऊंगा और मैं बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा। यहां पर ही आया है एक जी सर, की हाल है जी? सर जी, क्या हाल है? बढ़िया सर जी। किधर जा रहे हैं? इंडिया जा रहा हूँ सर। बम्बई गाड़ी? हाँ जी सर। अच्छा, चलें ठीक है। कहाँ से आए? मैं कनाडा से आया। इसी गाड़ी पे ही है? जी सर। ये गोर आ गया जी। यहाँ से थोड़ा सा शुरू, 1.6 किलोमीटर ही रह गया, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी शुरू हो जाएगी। तो अभी इन्होंने मेरे को साइड पे लगवा लिया एंड देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने देखा दो तीन और लोग आए हैं, कोई टैक्सीज भी आई हुई हैं, लाइक जो वॉकिंग क्रॉस करेंगे शायद, तो सबकी चेकिंग वगैरह हो रही है। कुछ नहीं जी, रेगुलर बस बातचीत करी इन्होंने और बोले कि भाई कहाँ से? कनाडा से। वो गड्डी माशाल्लाह बड़ी हैवी है। मैं रिकॉर्डिंग इनके सामने नहीं करना चाहता क्योंकि ड्यू टू रिस्पेक्ट ओनली। मेरे को पता है कि कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने चाहिए। जिनकी फेस दिखा सकता हूँ दिखा देंगे, नहीं दिखा, और मेरे को पता है कि भाई जिनके नहीं दिखाने हैं बेसिकली। तो सिक्योरिटी पॉइंट्स तक मैं जरूर लेके जाऊंगा कैमरा, पर अंदर जाना ये करना वो करना इट्स नॉट गुड ड्यू टू फॉर एनीवन। तो अभी यहाँ पर एक और चेक पॉइंट है, यहाँ पर दो तीन गाड़ियां लगी हुई हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ओके, एक टेम्पू है, टेम्पू के अंदर 5-6 लोग बैठे हुए हैं। एक आगे हमारे ये वैगन आर है जो हमारी इंडिया में होती है, यहाँ पे इसका नाम तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। ये पैदल वालों को यहाँ पे उतार दिया, वहां से दिखा रहे हैं इनको रास्ता पैदल जाने का ना, और गाड़ियां यहाँ से वापस ही उठम हो जाएंगी। वहां पर एक गोरे का बैग वगैरह खोल लिया, गोरा ही लग रहा है मेरे को, लाइक अ वाइट गाय। एंड बैग खोल खोल के चेकिंग हो रही है उनकी। यार मेरे पास तो सामान ही बहुत है, आई मीन बैग तो मेरे दो ही थे, खरीद फरोल करके ही बहुत हो गया सामान। इतना खोलेंगे तो वापस सेटिंग करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो जी, हमसे भी इन्होंने दोनों बैग्स खुलवा के चेक करके, पासपोर्ट एक स्कैन होता है ये चेक होता है, वो देखा एंड वी आर गुड टू गो नाउ। सामने लगा है, क्या बात है, थोड़ा सा धुंधला है ये पाकिस्तानी फ्लैग और मेरे को वो इंडियन साइड से भी नजर आ रहा है। माय गॉड, दिस इज इट। अब हमें कस्टम डिपार्टमेंट में जाना है। जनाब की हाल है सर? जी सर। किथे चले हो? मैं इंडिया चला पाजी। गड्डी समय थी? गड्डी समय पाजी। पासपोर्ट दिखा दे। वो मेरे को, यार ये देखो यार, वो भारत इंडिया वहां से नजर आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह दैट्स इंडिया। लो जी, यहाँ से हमारी इमिग्रेशन डन हो गई है, पासपोर्ट के ऊपर और कार्ड के ऊपर स्टैंप लग गई है। टाइम लग गया काफी, थोड़ा सा अंदर बाय फुट वालों का ना रश था। तो एनी हाउ, अब यहाँ से हम गेट पे एंटर करने लगे हैं और फिर इंडिया में एंट्री स्टैंप वगैरह देखते हैं क्या लगती है। ये देखे जी, ये देखे जनाब, इसको कहते हैं
सामने नजर आ गया आपका। अब हम ये जी हमने स्टार्ट कर दी गाड़ी अपनी चलानी। ये टिंग टिंग थोड़ी सी सुन लेना क्योंकि मैं सीट बेल्ट नहीं लगाने लगा अभी। लुक एट दिस ये रहा पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ से है इंडिया बॉर्डर। ये कौन खुलेगा ये नहीं समझ आ रही। आ गए रेंजर साहब। थैंक यू। ये देखो यार, दिस इज माय एंट्री। आई एम सो मच हैप्पी टू गो। आई एम सो मच हैप्पी। ये देखिए दिस इज, क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। वाह ये रही हमारी पाकिस्तान साइड की एग्जिट। सर एक मिनट देते, एक मिनट, लाइफ टाइम का मौका है सर। ये हमारी गाड़ी और ये रहा सर इंडिया। बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही, आई मीन दिस इज अमेजिंग यार। ये प्राउड मोमेंट जो फील हो रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। एंड आई एम रियली मच ब्लेस्ड। अभी चलते हैं आगे, कैमरे को लगा देते हैं अब गाड़ी पे और आगे धीरे धीरे चलते हैं। अब पाकिस्तान साइड से एग्जिट होके इंडियन साइड में एंट्री। जी सर, पासपोर्ट सर लीजिए। गाड़ी चक्कर जी जी याद तो ना। This is it. यहाँ पर आ गए जी हम, एंटर करके अपने इंडिया में। वाह, this is the feeling man, this is the feeling। ये देखो यार, अभी चेकिंग हो रही है वहाँ पर, हमारे पासपोर्ट ले गए एंड इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं काटने का कहाँ से लगता है। ये देखिए यार, वाह, ब्यूटीफुल यार। अभी बहुत खुशी हो रही है कि माय ट्रिप हैज बीन एंडेड। यहाँ पर आके जो हमने डेस्टिनेशन रीच करनी थी अपने टाइम पे पूरी रीच कर लिया। लो जी फोटोग्राफी शुरू होगी सारे दे इत्थे। इन्नी फोटो मैं नहीं खिंची अपने नाल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच यार। बहुत मजेदार, क्या ये PSF वाले थे, इनकी परेड की ट्रेनिंग हो रही थी, उन्होंने मेरे को बताया, बहुत ही मजेदार। अब ये साइकिल पे जो भाई साहब हैं, ये मेरे को पता, ये हमें आगे लेके जाएंगे। यहाँ से डोर खुलेगा और ये चेक करें यार, दिस इज इट। थैंक यू सर। चलो आपको फॉलो करते हैं ना।
तो ये जी इन साइकिल वाले भाई साहब को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड एक और कार है हॉलैंड की आई गेस हो ना, वो भी अभी अभी हमारे साथ ही उन्होंने एग्जिट लिया, मेरे पीछे है। और बहुत ही ना ये आई, मतलब मैं बता भी नहीं पा रहा ये फीलिंग क्या है, लाइक इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, कुछ कहने की हद नहीं। सत श्री अकाल। कोई नहीं व्यू फोटो करा लो। बुलाया ना तो बुलाया नहीं ना, तो रोड लग गई। तो मेरा नाम है जसमीत सिंह सारी, मैं कैनेडा टू इंडिया रोड ट्रिप कर रहा है। तो अज मैनू तकरीबन 40 दिन हो गए उधरों से निकले हुए, तो बहुत वधिया लग्या। बहुत मैं सोच रहा कि काफ़ी लोगों लिए मैं रस्ता खोलता है, कि बहुत लोग घबराते थे कि इदा की चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, मतलब जे मेरे वर्ग आम इंसान कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। तो इस विच सब तो वड्डी चीज़ एक हैगी है, जिहड़े असी पाकिस्तान दे गुरुद्वारा साहब जिहड़े दर्शन कर सके, सिख कम्यूनिटी जिहड़े कि इंडिया नूं सिर्फ अजे करतारपुर साहब जाना ही अलाउड हैगा, तो बट अगर आपां उस वल्लों आंदे हैगे तो सारे गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा नूं दर्शन कर सकदे हैगे। तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत वार्म वेलकम सारी जगह पर मिले, तो अपने इंडिया आके तो वैसे ही बहुत वधिया लग रहा। तकरीबन हुण तक मेरे 19,000 किलोमीटर हो गए हैगे, तो बाकी हूँ इंडिया जो जिन्ना चलेगा वो बाकी। तो हूँ धारणा मेरी यही हैगी कि एक कहें ना, एक पास दुनिया च लड़ाइया चलती भी है, वॉर चल रही है, तो असी कहें कि यूनिटी होए कि एक बंदा अपने सर्कल तो बाहर निकलता है ना जब भी, तो तुहानू सिर्फ बाहर निकलना औखा है। जे बाहर निकलोगे तो तुहानू अपने सर्कल नालों बहुत वधिया वधिया लोग मिलणगे, तुहाडा बहुत वेलकम हुंदा हैगा, ते तुहानू दूसरी जबान, दूसरा खाना, दूसरे का कल्चर सीखण नू मौका मिलदा है। सो इहदे नाल नॉलेज ही गेन हो रही है, होर कुछ नहीं। एक्सपीरियंस किन्ना कु वधिया है? एक्सपीरियंस ते बिल्कुल, मतलब मेरे नाल मैनूं नहीं लगदा कि एक भी कोई बैड थिंग हैपन हुई होनी है। बहुत वधिया एक्सपीरियंस सारी जगह का, कोई माड़ी चीज़ की मैसेज लैके आए तो की लैके दे के जा रहे हो? सर मैसेज हैगा यूनिटी हैगी है कि भाई ये सारे एकजुट होकर रहन, ते मतलब अगर किसी के मन च किसी भी शहर लई कोई भी बुरे ख्याल हैगे या कुछ हैगा उसनों हटा दें, क्योंकि जब तक तुसी विजिट नहीं करोगे, तुसी अपनी अखां नाल नहीं देखोगे, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। Hey, 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 hey